आजा नीचे आजा मधुर मधुर हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज है 1 जनवरी 2023। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए आज का प्यारा सा ब्लॉग शुरुआत कर लेते हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपको मेरी प्यारी सी प्यारा सा ये दिन मेरा कैसा गुजरा है ये सब दिखाऊंगी बताऊंगी। तो चलिए ब्लॉग का शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं आज सुबह उठी थी 5 बजे, और मतलब डेली उठती हूँ मैं 6 बजे, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है तो मैं इतनी जल्दी हूँ। पिछली जब 2022 लगी थी तो मैं उठी थी 4 बजे, क्योंकि उस टाइम मैं 5 बजे उठती थी। तो सर्दियों के मौसम में तो 5 बजे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और वो टाइम बचा होता है, तो मैं हमेशा जल्दी उठना पसंद करती हूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर पे तो हमें और भी जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि ये दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। मुहूर्त के अंदर ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर अपने काम का शुरुआत करना चाहिए। और इस दिन वैसे तो हमारी न्यू ईयर हरियाली 30 पे लगती है, लेकिन कैसे भी मानो अंग्रेजों की वजह से या पूरी दुनिया मानती है, मतलब पूरी इंडिया मानती है न्यू ईयर, तो हम भी मान लेते हैं। आज ही न्यू ईयर है 1 जनवरी को ही, तो इस दिन हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, यानी हमारे अंदर जो बुरी हैबिट है उसको छोड़ना चाहिए और जो अच्छी हैबिटें हैं उनको ऐड करना चाहिए। जैसे सुबह जल्दी उठना, कुछ एक्स्ट्रा काम करना, कुछ समय अपने लिए निकालना, कुछ समय ऐड करके कुछ अच्छा करना, इस तरह के काम करना, तो हैप्पी न्यू ईयर अच्छी होती है। वरना वैसे ही पार्टी शार्टी करके ऐसे ही करने से तो कोई हैप्पी न्यू ईयर मनाने का कोई मजा नहीं आता। तो मेरा यही मानना है कि न्यू ईयर पे हम कुछ अच्छा ऐड करें, कुछ अच्छी शुरुआत करें। कई दिन से सोच रहे हैं जो काम हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उस काम की अच्छे से शुरुआत करें और जो हमारे अंदर बुरी हैबिट है उसको छोड़ दें। तो चलिए मैं आज मेरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी खाने से, तो आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ, तो चलिए देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन वाली घंटी दबा लेना, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर बोलो, हैप्पी न्यू ईयर सबको, हैप्पी न्यू ईयर बोलो। सबको मिस कर दिया एक साथ। ये तेरे जूते हैं। क्या खाना है? अभी मधुर तैयार है नहाने के लिए, इसने अपना कोट वोट निकाल दिया है। तो अभी पहले मैं मधुर को नहला देती हूँ और उसके बाद मैं किचन में चलती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ हलवा, और मैंने खीर बनने के लिए बाहर चूल्हे पे रख दिया है। और सब्जी बनाई है आज मैंने, आलू और गाजर की थोड़ी सूखी सब्जी बनाई है। खाने में बहुत अच्छा लगता है सूखी सब्जी। वैसे तो हरी सब्जी बनाते हैं, लेकिन आज थोड़ी बनानी थी तो मैंने सोचा सूखी सब्जी काम चल जाएगा। और अभी मैं बना लेती हूँ सूजी का थोड़ा सा हलवा, खीर हो जाएगी और फिर मैं बना दूंगी रोटियां। मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, साथ के साथ सारी चीजें गर्मा गर्म मिल जाएंगी, खीर भी गर्म मिल जाएगी, हलवा भी। और आटा लगा के पहले रख दिया, तो हाथों हाथ मैं रोटियां बना दूंगी। और कुकर के अंदर सब्जी ठंडी नहीं होती है, तो मैंने सोचा आज सारा काम ऐसे करें कि फटाफट से गर्मा गर्म खाने को मिले सबको, बहुत अच्छा लगता है। और आपने हैप्पी न्यू ईयर पर क्या पापा, बनाया? पापा 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 मधुरे पापा चलो बेटा पापा पापा पापा, पापा। इधर देखिए मधुर। कर कर कर
लो जी, मेरा सारा खाना बन के रेडी हो गया है और खीर बन भी गई है, थोड़ी सी ठंडी भी हो गई खाने लायक। तो अभी मैं लगाऊंगी दो को सारी प्रसाद की, मैंने जो जो प्रसाद बनाई है उसकी मैं लगाऊंगी विष्णु भगवान की दो के। तो उससे पहले मैं यहाँ पे नई साल पे बनाते हैं तिल के लड्डू, तो उसकी थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ। मैं ये एक पैन ले लिया है, इसको चूल्हे पे चढ़ा दूंगी और इसमें मैं भूनूंगी तिल को, और तिल को भून के और फिर मैं तिल के लड्डू बनाऊंगी। यहाँ पे नई साल पे तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तो उसी की तैयारी कर लेती हूँ। और अभी मैं लगाऊंगी विष्णु भगवान की धूप कि हे विष्णु भगवान, हमारी पूरी फैमिली को स्वस्थ रखना, सुखी रखना, हमारी यूट्यूब फैमिली को बहुत बड़ी करना और खुश रखना, स्वस्थ रखना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम।